डेली यूज होती है कि कभी कभार यूज होती है। डेली के कभी कभार ये पूछा था ना हमने थर्ड क्वेश्चन।
तो करती है चीटिंग, इसी में चीटिंग चल रही है। वाह भाई वाह, अभी से उन्होंने शुरू कर दिए चीटिंग। कंगी अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है? नहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। पांच हो गए, जल्दी जल्दी बताओ। पांच हो गए, पांच कर लिए, दस बाकी है। जवाब बता देंगे। ये बताओ कि घर के कौन से सिस्टम इस्तेमाल होती है, मतलब कि ड्राइंग रूम में इस्तेमाल होती है, किचन में इस्तेमाल होती है, किधर इस्तेमाल होती है, मतलब कमरे के किस हिस्से में? सब आ जाता है इसके अंदर। ये भी तो ट्रिक है। बेडरूम में, बेडरूम में इस्तेमाल होता है, बेडरूम के अंदर इस्तेमाल होता है, बेडरूम के अंदर, के अंदर, बेडरूम के अंदर, के अंदर घर, घर और स्कूल भी और बहुत सारी जगह। नहीं घर है, इसका जवाब घर है। नहीं घर नहीं, घर नहीं। स्कूल जी हो गया ना। अच्छा ये बताओ घर के यानी कमरे में ना, कमरे में बोला ना, हाँ कमरे में, कमरे में, कमरे के अंदर कोई जगह है उधर ये ये तो चिटिंग है, पूरा बता दे, ये चिटिंग है, ये चिटिंग है। नहीं तो हाँ ये सही है ना भाई, ये सवाल है ना, कमरे के अंदर किधर, यानी कमरे के अंदर, कमरे के अंदर यूज करते हैं कि उसके भी कहीं अंदर जाके यूज करते हैं भाई? आपके अगर दिमाग में अगर कोई बात आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ना। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, आप लोग ये गैस भी नहीं कर सकते। चलो आप लोगों ने, आपने जो सवाल पूछा ना, सात सवाल हो गए आप लोग के। और भाई बेडरूम में बाथरूम में इस्तेमाल होता है, बाथरूम में, बाल्टी टब लोटा, ये सारे सारे बता रहे हैं, सारे बता रहे हैं, सारे बता रहे हैं, सब एक ही में ना सवाल, में एक ही नहीं 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 आप एक ही करके ठीक, एक एक ही करके बताओ। नहीं बाल्टी लोटा टब नहीं है, लोटा बाल्टी नहीं है, नहीं ओ पानी, शैम्पू, शैम्पू नहीं, नहीं शैम्पू भी नहीं है। कितने सवाल हो गए? आठ आठ ना, अब गैस करते हैं। शैम्पू नहीं है तो साबुन, ये सही बताया, ये सही बताया। साबुन ये ना, इसकी वजह से हुआ ये खाली। और तो अपने पूरी और तो अपने पूरी हिंट दे दी थी कि बाथरूम। चलो लाओ लाओ अभी तो ये देखे, सोप था, सोप, सोप लिखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे राउंड टू। एक मिनट भाई, राउंड टू स्टार्ट तो कर ले, मगर आपने ये नहीं बताया कि कितने पॉइंट से जीते, क्या है, हमें तो गेम पता ये है कि स्कोर तो हमने शेयर ही नहीं करे। अच्छा इसके तो स्कोर राउंड के, हम तो जीत चुके ना, वो तो जीत चुके हैं, लेकिन कितने नंबरों से जीते हैं वो तो नहीं हुआ ना। हाँ ना, ये है कि अगर इनके कम हुए तो भी तो जीत हमारी होगी राउंड में, अगर ये लोग कम आंसर देते तो। ठीक है, तो इसकी जो स्कोरिंग है वो इस तरह से होगी कि हमने जो है आई थिंक कितने आठ क्वेश्चंस में जो है हमने जवाब दे दिया, आठ क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, तो मतलब हम 7 पॉइंट से जीत चुके हैं। हां क्योंकि टोटल 15 थे, 7 पॉइंट से जीत गए हम। आठ से जो है हमारे टफ हो जाएगा, ये बोर है, बहुत टफ हो रहा है हमारे। हमने आठ क्वेश्चन के अंदर जो है वो गेस कर लिया था आंसर, और पीछे हमारे पास जो है 7 क्वेश्चंस बचे थे, तो अब हम जो है वही क्वेश्चन से जीत गए, मतलब 7 पॉइंट से हम जीत गए। मतलब कि आपको में जो है ना हमें 7 पॉइंट से हराना है, अगर 7 पॉइंट से हराओगे तो जीतोगे ये राउंड, तो हम जो है बराबर कर दोगे तो ड्रॉ हो जाएगा। देखो तो हम जो है वो 7 पॉइंट से जीते। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं राउंड टू, जिसमें है हमारी टर्न कि हम क्या गेस करें। चलो सही है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिसाइड करिए क्या डालना है, क्या 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 चीज गेस करना। ऑडियंस को दिखा दूं? नहीं 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 नहीं, वो अभी गेस करेंगे ना हमारे साथ, दिखाएंगे उल्टा करके रखते हैं बस।
अब जो है करो भाई क्वेश्चंस करो। अब स्टार्ट हो गया राउंड टू। राउंड टू नहीं ना, राउंड हाँ राउंड वन उसका पार्ट टू। ठीक है चलो भाई, अब ये बता दो कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग है। तब मैं पूछती हूँ, खाने से या खाने तकरीबन हर कमरे में स्टार्ट होती है, हर जगह यूज होती है। चार होगा ना, मेरा आंसर है लाइट्स। नो नहीं खाने की नहीं है। कॉल कब पे
चाकू आ रहा ना गोल गप्पे, ये खाने की नहीं है ना, खाने की नहीं है, मैं तो उससे पहले बोला। अच्छा बताओ, सोचो। लॉन्ग लिविंग थिंग नहीं है और लॉन्ग लिविंग थिंग है, लॉन्ग नहीं नॉन लिविंग थिंग, हां वही नॉन लिविंग थिंग है ना, और खाने की नहीं है, खाने की नहीं है, दो हो चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाली है या नॉन इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक मशीन? मशीन वो तो बेटा है, मशीन नहीं है, मशीन है। मतलब ये मशीन कहाँ इस्तेमाल होती है? किचन में, मोबाइल, घर में भी यूज होती है, बाहर भी यूज होती है, दोनों जगह यूज होती है। किचन में? नहीं, किचन में नहीं होती, खास किचन के लिए मखसूस है कि किचन में नहीं होती? हां नहीं नहीं, आप कहीं मोबाइल 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 नहीं, लैपटॉप? पांच हो चुके हैं। लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर? हमारे अभी हुए हैं सिर्फ 7 और ये राउंड के जो है, चलो ठीक है, एडजस्ट होंगे। ठीक है, तो जल्दी से जो है जल्दी से लिख लो उसके ऊपर, ताकि फिर हम गेस कर सकें। इस दफा हमें भी अपनी स्ट्रेटजी है ना थोड़ी सी मजबूत करनी होगी। जीत सकते मुश्किल नहीं है, अभी और सेकंड राउंड है, ये फिर भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है लोगों ने सेकंड राउंड में। मतलब घर में यूज होने वाली चीज है या बाहर? घर में भी यूज होती है और बाहर भी यूज होती है। अच्छा अब बताओ कि यानी क्या है, घर में किस क्वेश्चन में इस्तेमाल होती है, यानी हर जगह इस्तेमाल होती है कि किसी एक स्पेसिफिक जगह में है, या फिर हम कहीं पे भी ले जाते हुए इसको यूज कर सकते हैं? अपने हर रूम में होती है, मतलब हर कमरे में मौजूद होती है। हाँ, हमारे घर में तो हर कमरे में मौजूद है, बाकी ज्यादातर घरों में मौजूद होती है। मिरर, शीशा? नहीं नहीं, शीशा हर कमरे में तो नहीं होता। नहीं नहीं, बता दिया सही, सेट हो गया। और जो है हमने जो है आप लोग ने इतनी आसानी से पहचान लिया है, हमने जो है वो कलम लिखा है ना, गणित का मतलब वही ना, हमने जो है वो बेसिक चीज रखी थी, बहुत ज्यादा हमने 3 ही क्वेश्चंस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पॉइंट्स बन गए 12, तो ये राउंड हम जीत गए 12 by 11। नहीं नहीं, ये राउंड में 12 by 11 हुआ इस राउंड में ना। और अगर टोटल पॉइंट कितने हुए? टोटल हुए 12 और 7, हमारे हुए 19 और हमारे हुए 22। 19 और 22 अभी भी मुकाबला सब पे है, अभी भी सांस है, यानी हमें सबसे आगे, अभी काफी आगे हम लोग, आपसे 3 पॉइंट आगे हम लोग, आपसे भी अभी भी ये लोग 3 पॉइंट आगे। राउंड 3, अब राउंड 3 अब करते हैं हम स्टार्ट राउंड 3। ठीक है, राउंड 3 अब ये हो चुका है कि एक राउंड जो है वो बच्चा पार्टी जीत चुकी है, एक राउंड हम जीत चुके हैं, तो समझ लें कि टाई है।
अब ये राउंड हमारा होगा टाई ब्रेकर, और टाई ब्रेकर ऐसा से होगा कि जो जीतेगा इस राउंड को वो विनर होगा, सही, और जो हारेगा वो तो हारेगा तो सही, लेकिन उसके साथ में पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट, और पनिशमेंट क्या होगी वो हम उसी वक्त बताएंगे, सही, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं राउंड करो थ्री। हाँ, मगर राउंड थ्री में पहले आप लोग लिखो और हम लोग गेस करेंगे, सही है? चलो ये सही है तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम जो है गेस करते हैं। ये बहुत ज्यादा सख्त मुकाबला बन गया भाई, आप तो सोच ही नहीं लो कि दोनों राउंड में मैंने बताया सर तो क्या बैठ दिया जीतेगी। ये चीज हम जो है ऐसे ही रख देते हैं। तो चलो भाई, हमने तो लिख लिया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, सवाल करो। हाँ, कितने सवाल करने? ये मैं कहता हूँ कि राउंड थ्री पे आगे तो सवाल कम नहीं करें। नहीं, सवाल आई थिंक वही रख लेते हैं, 15। 15 सही है, 15 सही है। चलो सबसे पहले मैं सवाल, चलो पढ़ लो। ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। एक सवाल हो गया, खाने पीने की चीजें या नहीं? खाने पीने, नहीं खाने पीने की चीज नहीं है, ना खाने की ना पीने की। सही, दो सवाल हो गए। मतलब हम उस चीज को घर में इस्तेमाल करते हैं, और घर के किस एरिया में इस्तेमाल करते हैं? भाई आप इसे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो, हर एरिया में इस्तेमाल कर सकते हो। किस एरिया में? हर एरिया में भाई, हर घर के हर एरिया में इस्तेमाल होती है। सही, घर में भी और बाहर भी। ये इलेक्ट्रिक है या नॉन इलेक्ट्रिक है? नॉन इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक की नहीं है चीज। मतलब कितने साल हो गए? चार। चार। अच्छा, ये बता दो मतलब घर के जैसे किचन के लिए खास है कि कहीं भी? मैं बोला ना घर के आप हर हिस्से में कर सकते हो। 5-6 सवाल हो गया कि अलग? नहीं नहीं, ये अलग ही था। चलो ठीक है, चार। अब ये सवाल नहीं करना कि घर में यूज होती है या बाहर। ये नहीं आना चाहिए। कौन सी चीज होती है? सोचो है, बड़ी आसान। इलेक्ट्रिक वाली नहीं है ना? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। लेकिन ये जो सवाल ऐसे करोगे, कैंची? नो, टेबल? नहीं। 6 हो गए, 6 हो गए। मैं बोला ना घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब 6 हो गए। क्वेश्चन कितने बन गए? बताओ ना। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बढ़ाओ, क्वेश्चन की तादाद बढ़ाओ। तुम्हें कौन सी मान लेना है, मेल या फीमेल? दोनों मेल या फीमेल? दोनों मेल फीमेल दोनों से मान सकते हैं। ग्लासेस हो गया। ये लो भाई, चेहरे चल रहे आजकल बड़ा भाई। अपन ये कैसा करना जजमेंट, मतलब कैसा है? मतलब दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लासेस ही क्यों का? दिमाग में आया बस अचानक, पता नहीं कैसे। वॉच हो सकती है, ग्लासेस के अलावा। हां, नहीं तो अभी इसके दिमाग में ये चीज रही ना। अच्छा, तो कब घुमाया? हां, तो कब घुमाया? चलो, तो घुमाया। अब हमारी बारी। कितने कितने उसमें हो गया हमारा? कितने पॉइंट्स हो गया? 6 में। 6 नहीं क्या हो गया? हां, 6 में हुआ। 6 में हुआ था। 6 में हुआ। 6 में हुआ है। 6। चीटिंग चीटिंग करे मेरे साथ है, इसके साथ है। हां, 28 हो गए। हमारा 28 गोल हो गए। कितने हो गए इनके? 28। 6 में हुआ ना इनका, तो मतलब आपके 9 पॉइंट्स हो। हां, और टोटल कितना होगा? 9। नहीं, अब ये राउंड का है। नहीं, 22 का नहीं करना। अब हमने वो तो टाई हो चुका था ना, एक राउंड ये जीते, एक राउंड हम जीते। अब जो है फाइनल में इससे ही चलो ठीक है, ये राउंड होगा फाइनल। हां, सही है, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि हुए 9 पॉइंट्स, हमारे कितने बनते हैं वो देखते हैं, और फिर इसके बाद हमारे पास रिजल्ट खुद सामने आ जाएगा कि कौन जीता, कौन विनर है। सही है, ऐसा लग रहा है कि अपन ठीक है ना। थोड़ी सी तो बस अब हम डिस्कशन यहाँ पे खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं राउंड 3 का पार्ट 2। करते हैं राउंड 3 का आगाज, मतलब राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है, पार्ट 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे पार्ट 2 से, ठीक है? तो हम लोग वर्ड लिखेंगे और आप लोग को गेस करना है कि वर्ड क्या है। चलो सवाल लिखो हम। तो भाई हो गया, हो गया, हो गया। जल्दी से बोल। चलो भाई, ये हो गया। इंशाल्लाह स्टार्ट करें हम क्वेश्चंस करना। चलो स्टार्ट करो। कोई कॉमन क्वेश्चन? हां, कॉमन चीज हम लोग के लिए कॉमन रखी है हमने। हमारा कॉमन क्वेश्चन लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग थिंग है। चलो, घर में यूज होती है, बाहर यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक है कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक है?
और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक है घर में भी यूज कर सकते बाहर भी यूज कर सकते ये बाबा आप लोगों ज्यादा कुछ नहीं साथ साथ कर रहे हो तो हम कर सकते हैं तीन का गपला। अब जो है कौन सी एक चीज नहीं रखे देख के ना जैसे आप लोग हमसे एक सवाल पूछोगे उसके बाद आप एक ही चीज गेस कर सकते हो ऐसे आप लोग तीन चार चीज एक साथ बता दोगे तो गर्मी यूज होगी मतलब कमरे में घर के किस कमरे में ज्यादा इस्तेमाल होती है ये हर कमरे में अपने अपने घर में हर कमरे में इस्तेमाल होती है चौथा क्वेश्चन है तीसरा हुआ ना अपने घर में कॉमन में अब एक काम करो फाइनल राउंड भी हो गया अपनी अपनी पनिशमेंट करें और सामान खुद लेकर आओ तुम करोगी या मैं करूँ नहीं ये आप करो मैं आपको बना के देती हूँ मैं बना रहा हूँ आप बनाओगे मजेदार डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नहीं मिलेगी अच्छी तरह से अब ये पनिशमेंट मिलेगी सबसे पहले आपा को अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली में कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे होगा ये कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचेगी ओके भाई जब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़